A very good morning, students. Welcome to secretarial practice. अगर आपको ध्यान में होगा, last lecture we had started with chapter number 3, जिसका नाम है issue of shares. उसमें मैंने आपको last lecture में introduction करवाया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि एक joint stock company large capital collect करती है और इस लार्ज कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए कंपनी शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करती है. लोन वगैरह भी लिया जा सकता है बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बट इतना ध्यान में रखना कि इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है वो हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे. फिलहाल चैप्टर नंबर 3 जो है दैट इज इशू ऑफ शेयर्स. शेयर्स को इशू करने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि शेयर्स को इशू करने के लिए कंपनी को कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती है. अब ये जो एक्टिविटीज कंपनी करती है उसका मैंने आपको लिस्ट बताया था लास्ट लेक्चर में कि भाई इस कंपनी को करना पड़ता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के अलावा मतलब कंपनी अगर इंस्टॉलमेंट में पैसे कलेक्ट कर रही है तो उसे करना पड़ता है कॉल ऑन शेयर्स, यानी कि इंस्टॉलमेंट के पैसे मंगवाना. अच्छा, कॉल करने पर अगर शेयर होल्डर टाइम पर पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी उसके शेयर्स छीन लेती है, यानी कि कंपनी को करना पड़ता है फॉरफीचर ऑफ शेयर. ऐसा भी हो सकता है कि शेयर होल्डर खुद अपनी इच्छा से शेयर्स वापस लौटा दे, यानी कि करना पड़ता है सरेंडर ऑफ शेयर्स. अब शेयर्स मैंने आपको बताया था कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो यदि शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी और को बेचता है या गिफ्ट देता है तो कंपनी को करना पड़ेगा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, और यदि शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो कंपनी को करना पड़ेगा ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. कुल मिला करके ये 6 एक्टिविटीज है जो कंपनी को करनी पड़ती है इन रिलेशन टू इशू ऑफ शेयर्स. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सारी एक्टिविटीज कंपनी का सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट करता है, यानी कि कंपनी का जो सेक्रेटरी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना और सारी एक्टिविटीज को हैंडल करना. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद टुडेज टॉपिक, मैं आपको जस्ट याद करा दूं कि ये जो चैप्टर नंबर 3 है इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम पेज नंबर 39. इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया और इंट्रोडक्शन के बाद लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल भी करवाया था, दैट वॉज ऑन पेज नंबर 40. पेज नंबर 40 पर अगर ध्यान में होगा तो अथोराइज्ड कैपिटल, अथोराइज्ड के बाद में इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल, ये 6 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ कैपिटल आपको करवाए थे. ये सब के सब का मीनिंग आपको मिल जाएगा पेज नंबर 40 और 41 पे. अब पेज नंबर 42 पर आज का टॉपिक स्टार्ट होगा. सो ये जो टॉपिक है दिस इज ऑन पेज 42, 43 एंड 44. इसका आप ध्यान रखेंगे और यहीं से आप इसका प्रिपरेशन करेंगे कि भाई सबसे पहली बात इशू ऑफ शेयर्स के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी लार्ज कैपिटल कलेक्ट करती है और लार्ज कैपिटल कलेक्ट करने के हिसाब से कंपनी शेयर्स या डिबेंचर्स का इशू करती है. अब शेयर्स इशू करके कंपनी अपना कैपिटल रेज करती है, यानी कि शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करने के पीछे कंपनी का मेन मकसद या पर्पस क्या होता है? मेन मकसद या पर्पस होता है टू रेज और टू कलेक्ट कैपिटल. अब कंपनी कैपिटल क्यों कलेक्ट करना चाहती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो इसका जवाब यह है कि कंपनी कैपिटल कलेक्ट करती है किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कंपनी कैपिटल कलेक्ट करती है अपने बिजनेस का एक्सपांशन करने के लिए,
कंपनी कैपिटल कलेक्ट करती है अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कपड़े का बिजनेस करता था, फिर पेट्रोलियम का बिजनेस, फिर रिलायंस जियो के रूप में उन्होंने मोबाइल की सर्विसेज का, और अब उन्होंने स्टार्ट किया है रिलायंस रिटेल। अब रिलायंस रिटेल में अमेज़न की तरह कंज्यूमर्स को ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचेंगे, तो दैट इज डाइवर्सिफाई। आप अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेस जब स्टार्ट करना चाहते हो तो कैपिटल की आवश्यकता होती है, और कई कंपनियां कैपिटल रेज करती है अपने पुराने कर्जे को चुकाने के लिए, दैट इज फॉर रीपेमेंट ऑफ ओल्ड डेब्ट्स। सो शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करके कंपनी जो कैपिटल कलेक्ट करती है वो नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हो सकता है, बिजनेस के एक्सपांशन या डाइवर्सिफिकेशन के लिए, या ओल्ड डेब्ट्स यानी कि पुराने कर्जे को रिपे करने के लिए हो सकता है। अब कैपिटल रेस करने के लिए कंपनी के पास क्या ऑप्शन है? कैपिटल रेस करने के लिए कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, कंपनी डिवेंचर्स इशू कर सकती है, कंपनी बॉन्ड्स इशू कर सकती है, डिपॉजिट के रूप में लोगों से पैसे ले सकती है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जा सकता है। यानी कि कंपनी जो कैपिटल कलेक्ट कर रही है वो ओन्ड भी हो सकता है, बोरोड भी हो सकता है। अब शेयर्स जो कंपनी इशू करती है, इन शेयर्स में कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, वो चाहे तो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में बाकी की चीजें तो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर ली है, इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर नंबर 4 में आएगा। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे ऑन इशू ऑफ शेयर्स कि भाई कंपनी शेयर्स इशू जब करती है तो शेयर्स इशू करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए जा सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी। तो सर शेयर्स इशू करने के लिए अलग अलग मेथड्स को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनकी हर फर्दर टाइप्स भी है। मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर में 4 मेथड्स कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखना। पहला है पब्लिक ऑफर, द फर्स्ट इज पब्लिक ऑफर। द सेकेंड इज एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। द थर्ड इज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज एंड द फोर्थ इज प्राइवेट प्लेसमेंट्स। ये 4 अलग अलग मेथड्स हैं जिनके जरिए कंपनी अपने शेयर्स इशू करके कैपिटल रेज कर सकती है। नाउ हम हर एक मेथड को थोड़ा सा बारीकी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है पब्लिक ऑफर। सी पब्लिक ऑफर में क्या होता है कि कंपनी अपने जो शेयर्स है वो आम पब्लिक को या जनरल पब्लिक को सेल करती है और उनके पास से कैपिटल कलेक्ट करती है। यह द शेयर्स आर इशूड टू द जनरल पब्लिक, आम जनता के लोगों को ये शेयर्स बेचे जाते हैं और उनके पास से कैपिटल कलेक्ट किया जाता है। ये जो पब्लिक ऑफर कंपनी करती है जिसमें पब्लिक को शेयर्स ऑफर किए जाते हैं, ये 2 अलग अलग तरीके से हो सकता है। इसमें एक को हम कहते हैं आईपीओ और दूसरे को हम कहते हैं एफपीओ। आईपीओ का मतलब क्या होता है? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब ये इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ क्या है? सर इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ में कंपनी पहली बार अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर कर रही है। इसमें इनिशियल शब्द का मतलब होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रही है। क्योंकि इट इज द फर्स्ट टाइम दैट इज व्हाई इट इज इनिशियल।
नॉर्मली ये कब होता है, जब कोई भी कंपनी नई नई स्टार्ट होती है उस वक्त आईपीओ के जरिए पब्लिक को शेयर्स ऑफर किए जाते हैं, पब्लिक एप्लीकेशन के माध्यम से इन शेयर्स को खरीदती है और कंपनी को पैसा देती है, विच बिकम्स द कैपिटल ऑफ द कंपनी, दैट इज आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी जब स्टार्ट होगी तो पहली बार यानी कि इनिशियली अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, दैट इज फॉर स्टार्टिंग न्यू बिजनेस। चलो मेरी कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, भगवान की दया से कुछ वर्षों में मेरी कंपनी का बिजनेस वेल एस्टेब्लिश्ड हो गया और अच्छा चलने लग गया। अब मुझे अपने बिजनेस का एक्सपांशन या डाइवर्सिफिकेशन करना है तो मुझे और पैसों की जरूरत है। इस और पैसे के लिए मैं करता हूं एफपीओ, यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफर। फर्दर पब्लिक ऑफर किसे कहते हैं? फर्दर पब्लिक ऑफर वो होता है जिसमें कंपनी पहली बार के बाद दूसरी, तीसरी या चौथी बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है। पहली बार पब्लिक को शेयर्स बेचे तो आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, और पहली बार के बाद जब पब्लिक को दूसरी, तीसरी, चौथी बार शेयर्स ऑफर करे तो दैट इज फर्दर पब्लिक। फर्दर का मतलब होता है बाद में, इनिशियल का मतलब होता है फर्स्ट टाइम, पहली बार, फर्दर का मतलब है बाद में। तो पहली बार शेयर्स ऑफर किया पब्लिक को तो आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक, और पहले के बाद दूसरी, तीसरी बार किया तो एफपीओ, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर। इन दोनों में ही कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करती है, किसके जरिए? प्रोस्पेक्टस के जरिए। कंपनी प्रोस्पेक्टस के जरिए अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करेगी, पब्लिक अप्लाई करेंगे और इन शेयर्स को परचेस करके कंपनी को कैपिटल देंगे। अब ये जो पब्लिक को कंपनी शेयर्स ऑफर करती है, यानी कि ये जो पब्लिक ऑफर होता है, इसमें कंपनी किस तरह से अपने शेयर्स बेचती है या ऑफर करती है, इसके लिए दो अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। वन इज द फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड एंड द अदर इज द बुक बिल्डिंग मेथड। फिक्स्ड प्राइस मेथड वो मेथड है जिसमें कंपनी का मैनेजमेंट पहले से ही तय कर लेता है कि वो कितने शेयर्स बेचेगा और किस कीमत पे बेचेगा। कंपनी पहले से ही डिसाइड कर लेती है कि भाई मान लो मेरी कंपनी है, कंपनी के मैनेजमेंट ने तय कर लिया है कि हम लोग 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे और हर शेयर की कीमत होगी 10 रुपया, यानी कि हम पब्लिक से 10 करोड़ रुपया कैपिटल के रूप में कलेक्ट करेंगे। फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड में कंपनी का मैनेजमेंट पहले से ही तय कर लेता है कि कितनी क्वांटिटी में शेयर बेचेगा और उसका प्राइस क्या होगा, वो पहले से ही फिक्स्ड कर दिया जाता है। बुक बिल्डिंग मेथड किसे कहते हैं? बुक बिल्डिंग मेथड में मैनेजमेंट पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं करता है, यानी कि इसमें शेयर्स किस कीमत पर बेचे जाएंगे वो डिसाइडेड नहीं है। इस बुक बिल्डिंग मेथड में ऑक्शन के जरिए या बिडिंग के जरिए कंपनी अपने शेयर्स बेचती है, यानी कंपनी ने डिसाइड कर लिया है कि वो 1 करोड़ शेयर्स इशू करेगी, लेकिन उसका प्राइस वो डिसाइड नहीं करती है, वो लोगों पे छोड़ देती है कि आप ये शेयर्स कितने में खरीदना चाहते हो। अब हो सकता है कि कोई ये शेयर्स 15 में खरीदने को तैयार है, हो सकता है कोई ये शेयर्स 12 में खरीदने को तैयार है, हो सकता है कंपनी जो है उसको किसी ने ऑफर दिया है कि मैं ये शेयर 20 रुपए में लेने को तैयार हूं, लोग इसकी बोली लगाएंगे।
इसमें कीमत डिसाइडेड नहीं है, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स तय है, कीमत डिसाइडेड नहीं है। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा कंपनी उसको अपने शेयर्स बेच देगी। सो बुक बिल्डिंग मेथड में कंपनी अपने शेयर्स की क्वांटिटी तय कर लेती है लेकिन उसका प्राइस डिसाइड नहीं करती है। वो प्राइस तय होता है ऑक्शन या बिडिंग के आधार पर, यानी कि लोग बोली लगाएंगे कि वो ये शेयर्स कितने में खरीदने को तैयार है। अब जिसकी सबसे ऊंची बोली होगी कंपनी उसको अपने शेयर्स बेच देगी और उसके पास से पैसा कलेक्ट कर लेगी। सो दैट इज द फर्स्ट वन, पब्लिक ऑफर। इसमें पहली बार शेयर्स इशू करती है तो आईपीओ, पहले के बाद दूसरी तीसरी बार इशू करती है तो एफपीओ। क्या तो उन शेयर्स को फिक्स प्राइस पे बेचा जाएगा और क्या तो ऑक्शन के जरिए या बिडिंग के जरिए यानी कि बोली लगा करके बुक बिल्डिंग मेथड से बेचा जाएगा। दैट इज द फर्स्ट। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। पब्लिक को शेयर्स बेच देने के बाद कंपनी कैपिटल को रेज करने के लिए दूसरा मेथड यूज कर सकती है, जहां पर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के पास से शेयर्स के रूप में पैसा कलेक्ट करती है। ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी कंपनी में इन्होंने शेयर्स खरीद के रखा हुआ है। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, वंस अगेन ध्यान देना, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर है जिन्होंने ऑलरेडी कंपनी में शेयर खरीद रखा है। उन्हीं लोगों को और शेयर्स बेच के कंपनी कैपिटल रेज कर सकती है। सर, इन एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी नए शेयर्स इशू करके कैसे कैपिटल रेज करेगी? उसके दो तरीके हैं, एक है राइट्स इशू और दूसरा है बोनस इशू। राइट्स इशू में क्या होता है, कंपनी जब कभी भी नए शेयर्स इशू करती है तो इन नए शेयर्स खरीदने का पहला चांस, पहला मौका एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है कि भाई आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, अगर आप इन्हें नहीं खरीदेंगे तो हम इसे ओपन मार्केट में जनरल पब्लिक को बेच देंगे। यानी कॉलेज में जैसा इन हाउस एडमिशन होता है कि आप 11th स्टैंडर्ड में आईवाई कॉलेज में थे, अब 12th स्टैंडर्ड में जब आप आए तो कॉलेज पहला प्रेफरेंस आपको देगा। अगर आप वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर किसी बाहर वाले को दिया जाएगा। दैट इज इन हाउस एडमिशन। उसी तरीके से कंपनी जब कभी भी नए शेयर्स इशू करती है तो इन नए शेयर्स को खरीदने का पहला मौका एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है कि भाई आपको लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो बाहर वाले को इशू करेंगे। इसी पहले मौके को हम राइट्स इशू कहते हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर का राइट है कि कंपनी जब कभी भी नए शेयर्स इशू करेगी खरीदने का पहला मौका उसको दिया जाए। दैट इज राइट्स इशू। न्यू शेयर्स इशूड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। बोनस इशू, बोनस भी हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी हर साल के प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा रिजर्व्स एंड सरप्लस में जमा करके रखती है। जब काफी पैसा रिजर्व्स में जमा हो जाता है तो कंपनी इस पैसे को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करती है, और जितना भी पैसा कंपनी ने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया, मान लो रिजर्व्स एंड सरप्लस में से कंपनी ने 5 करोड़ रुपया कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया, रिजर्व्स में काफी पैसा जमा हो गया था, सपोज 7 करोड़ जमा हो गया, तो 7 करोड़ में से 2 करोड़ इमरजेंसी के लिए रखा, बाकी का 5 करोड़ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो ये जो 5 करोड़ का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, इतनी कीमत के शेयर्स कंपनी फ्री में देगी किसको? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, और उसी को हम कहते हैं बोनस इशू। सो बोनस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर इशूड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। किसको इशू किए जाते हैं? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। और कैसे इशू किए जाते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट।
क्योंकि पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास जमा है, तो जितना भी पैसा कंपनी कैपिटल के लिए यूज करेगी उतने पैसे का फ्री में एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर्स दिया जाएगा, दैट इज एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। पहले मेथड में कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू करती है और उनके पास से पैसे कलेक्ट करती है। दूसरे मेथड में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर यानी कि जो शेयर होल्डर ऑलरेडी कंपनी में शेयर होल्डर है उसके पास से कैपिटल कलेक्ट करती है। तीसरा मेथड है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। कई बार कंपनी अपने पास जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको शेयर्स इशू करके उनके पास से भी कैपिटल कलेक्ट करती है। इस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के पास से कैपिटल कलेक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर वाला जो तरीका है दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में ESOS कहते हैं। अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या है? सी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में कंपनी अपने पास जितने भी परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो वर्कर हो, कंपनी के जो भी परमानेंट एम्प्लॉयज हैं उन परमानेंट एम्प्लॉयज को कंपनी नए शेयर्स में से कुछ शेयर्स देती है। यानी कि कंपनी जब कभी भी नए शेयर्स इश्यू करेगी उन नए शेयर्स में से कुछ शेयर्स एम्प्लॉयज को दिए जाएंगे और ये शेयर्स कंपनी एम्प्लॉयज को देगी डिस्काउंट में, यानी कि ये शेयर्स कंपनी उनको सस्ते कीमत में देगी, डिस्काउंट में दिया जाएगा। और उनको ऑप्शन दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ये शेयर्स अभी लेना चाहें तो अभी ले सकते हैं, और अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है तो आप ये शेयर्स फ्यूचर में भी ले सकते हैं आज की प्राइस पे। यानी कि कंपनी प्राइस पहले से डिसाइड कर लेती है। अभी मान लो शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया है, कंपनी ने डिस्काउंट में डिसाइड किया है कि हम ये शेयर्स इनको 7 रुपये में देंगे। कितने में देंगे? 7 में देंगे। शेयर कितने का है? 10 का है। डिस्काउंट में कितने में दिया जा रहा है? 7 में दिया जा रहा है। तो उनको ऑप्शन है कि अभी आपके पास पैसा है तो अभी ले लो, अभी पैसा नहीं है तो फ्यूचर में आप खरीदोगे तो भी हम आपको 7 रुपये में ही देंगे। दैट इज द ऑप्शन दैट इज गिवन टू एग्जिस्टिंग। इसके बाद में लास्ट जो आता है दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। सी कैपिटल कलेक्ट करने के लिए अगर मान लो कंपनी पब्लिक को या एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर्स इशू करके कैपिटल कलेक्ट करती है तो बहुत मगजमारी का काम होता है, बहुत झंझट होता है। क्यों? प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस बनाने के बाद उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। रजिस्ट्रार को एक कॉपी देने के बाद ये प्रोस्पेक्टस मार्केट में सर्कुलेट करना पड़ता है। बैंकर के जरिए एप्लीकेशंस कलेक्ट करने पड़ते हैं और शेयर्स का अलॉटमेंट, बड़ा झंझट का काम है। अगर कंपनी इस झंझट से बचना चाहती है तो इस झंझट से बचने का आसान तरीका है प्राइवेट प्लेसमेंट। इस प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स बेचने की बजाय कुछ गिने चुने प्राइवेट इन्वेस्टर को अपने सारे शेयर्स बेच दे। सो इंस्टेड ऑफ सेलिंग द शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, द कंपनी इश्यूज द शेयर्स टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स, कुछ गिने चुने। कि भाई जैसे मान लो मुझे 10 करोड़ का कैपिटल कलेक्ट करना है तो इस 10 करोड़ के कैपिटल में से 3 करोड़ के शेयर्स मैंने ICICI को बेच दिए, 5 करोड़ के शेयर्स मैंने LIC वालों को बेच दिया और बचे हुए 2 करोड़ के शेयर्स मैंने IDBI को बेच दिया। यानी कि ये कुछ चंद प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं जिनको मैंने अपने सारे शेयर्स बेच दिए, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक को शेयर्स बेचने की बजाय कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अपने सारे शेयर्स बेच देना, प्राइवेट प्लेसमेंट। ये प्राइवेट प्लेसमेंट राइट्स इशू के जरिए भी किया जा सकता है,
या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के रूप में किया जा सकता। अब राइट्स इश्यू पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, नए शेयर्स इनको दिए जाएंगे, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, इनको नए शेयर्स कंपनी ने ऑफर किया। या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या होता है कि कंपनी जो शेयर्स इशू कर रही है वो इनको डिस्काउंटेड प्राइस में दिया जाता है, दैट इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स का इंट्रोडक्शन और उसके मेथड्स हैं, आपको मिलेगा ऑन पेज नंबर 42, 43 एंड 44। ध्यान से देखें, ये 42 है, 43 है, ये 44, हाँ उसके आगे भी है 45 एज वेल एज 46, 47 तक गया है ये। ठीक है, यहां तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और उसका प्रोसीजर क्या होता है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।